खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। थाना तड़ियावा क्षेत्र के गांव सिरसापुर मजरा पड्डी निवासी विमल उम्र 24 वर्ष पुत्र लालाराम अपने घर के सामने बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। बीती रात लगभग 12 बजे के करीब गांव में घटना के बाद ग्राम प्रधान मोहम्मद रिजवान के पास जाकर सूचना दी कि उसके पुत्र को सीने में बल्लभ मारकर हत्या कर दी। पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी गोलू राम लोटन पुत्र पुतुलाल लक्ष्मी नारायण ने नुकीले बल्लम से हमला कर दिया। जब तक हम लोग बचाने पहुंचे, तब तक वो लोग हमला करके भाग गए, जिससे विमल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि 4 माह पूर्व गोलू मृतक की बहन को भगा ले गया था। काफी तलाश के बाद 3रे दिन लड़की अपने घर आई। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उसकी 3 माह पहले शादी कर दी गई। इस बात को लेकर गोलू के बीच मनमुटाव रहने लगा, जिसको लेकर 2 दिन पूर्व नहर पर भी कुछ विवाद हुआ। उसी को लेकर सोमवार की रात हत्या कर दी। कुछ भी नहीं हुआ था, पहले जो हुआ था हुआ था, अब की बार कुछ नहीं हुआ। पता नहीं ऐसे ही आपस में झगड़ा उगड़ा हुआ होगा तो मार के चले गए, 2 हथियार छोड़ गए, भूल गए। जल्दी जल्दी में 3 भाई 3 थे, तीनों भाग गए। जल्दी जल्दी में हम सब घर से अंदर से निकले, मार के तुरंत भाग गए अंदर से निकले। कौन से हथियार थे? एक बल्लम था, एक वो छुरिया थी। थाना अंतर्गत पंडरी गांव में विमल बाबू नाम के व्यक्ति की हत्या है। विमल बाबू अनुसूचित जाति के थे। इनकी हत्या में जो उनके पिताजी द्वारा दहेज दी गई, जिसमें गोलू और उनके भाई एवं एक रामलोटन नाम की व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है और हत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया गया है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।